हम लोगों को परेशानी ये है कि जो भी इस बार रिजल्ट आया हुआ है वो रिजल्ट सब रुका हुआ है। उसमें थ्योरी एक पेपर है और एक ड्राइंग का पेपर होता है, वो दोनों में बच्चे फेल हैं और पूरे प्रदेश की हालत यही है। पूरा हाहाकार मचा हुआ है, देश स्तर पे हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह की स्थिति यही है। सारे आईटीआई के लोग इसी बात के लिए जुटे भी थे कि जो समस्या है रिजल्ट वाला, इस समस्या का समाधान किया जाए और जो ऑनलाइन की परीक्षा जो कराने जा रही है सरकार, उनसे बार बार सरकार से ही हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि भी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में लागू करना चाहिए, पहले पॉलिटेक्निक में लागू करना चाहिए, बीटेक में लागू करना चाहिए। ऐसी कौन सी परिस्थिति आई, कौन सी ऐसी समस्या हुई कि आईटीआई में ही लागू कर दे? क्या आईटीआई के लड़के ही इतने तेज हैं जो हाई स्कूल करके आते हैं आईटीआई करने के लिए? अभी रोज 8 पास करके 10 पास करके लोग आते हैं, क्या वही तेज हम विरोध कर रहे हैं? 16 को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं डीएम के माध्यम से। अब देखिए इसके लिए अभी कहा जा रहा है अगर सुधर गया, अगर व्यवस्था रुक गई तो ठीक है, नहीं तो प्रदेश स्तर पूरा देश स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। ठीक।